दोस्तों, आज के हमारे निबंध का विषय है समाज सेवा। अक्सर देखा जाता है आपके एग्जाम्स में निबंध लिखने को आ जाता है समाज सेवा पर, तो कैसे समाज सेवा पर निबंध लिखा जाए आज के इस वीडियो में आप लोग यही जानेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करें आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिए समाज सेवा और उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपको ब्लू पेन से लिखना है, समान विचारों, सुख दुखों तथा समान परंपराओं वाले मनुष्य समुदाय को समाज कहा जाता है। भले ही इस प्रकार के लोग अलग अलग स्थानों पर रहते हों, फिर भी एक ही समाज के अंग कहे जाते हैं। विस्तृत अर्थ में समस्त मानव जाति को ही मनुष्य समाज कहा जाता है। मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, यही उसकी भक्ति है, अतः समाज सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। अब आपको अगली लाइन से लिखना है, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा और हर प्रकार के सांसारिक सुख की इच्छा न करते हुए तन मन धन से लोगों की सेवा करना और उनकी उन्नति के लिए कार्य करना समाज सेवा है। सही शब्दों में संघर्ष की भावना को प्रशय देकर मनुष्य के उदात्त गुणों को जगाना ही समाज सेवा है। इस संपूर्ण मनुष्य समाज में सुख दुख सदैव आते जाते रहते हैं। इसमें कभी हाहाकार की चीत्कार सुनाई पड़ती है तो कभी शांतिपूर्ण जीवन की समरसता। इस समाज में एक और शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक कष्ट है तो दूसरी और सुख समृद्धि के सभी साधन भी विद्यमान है। प्रसाद जी ने इस विषमता के सत्य को प्रकट करते हुए लिखा है, अब आपको अगली लाइन से लिखना है ब्लैक पेन से, वो भी, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। अब आप लोगों को अगली लाइन से लिखना है, समाज में फैले दुख दर्द, कष्ट, वेदना, अभाव, अशिक्षा, अत्याचार को दूर करना ही समाज सेवा करना है। इस संसार के आरंभ से लेकर आज तक हजारों लोगों ने समाज की सेवा करते करते अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है। वे बिना किसी लोभ और लालच के समाज सेवा के इस शुभ कार्य में तल्लीन हो गए। हमारे देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया। शंकराचार्य ने समाज के हित के लिए भारत के चार कोनों में चार मठों की स्थापना की। भगवान बुद्ध ने समाज को अहिंसा का संदेश दिया। राजा राम मोहन राय ने समाज में सती प्रथा का अंत किया, तो स्वामी राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद ने वैदिक मान्यताओं की स्थापना में अपना सहयोग दिया। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने अछूतोद्धार का पुण्य कार्य किया, तो विनोबा भावे ने भूदान और श्रमदान की दिव्य ज्योत जलाकर समाज की उन्नति के लिए कार्य किया। मदर टेरेसा ने तो अपने जीवन का एक एक क्षण असहाय और पीड़ित समाज की सेवा करने में अर्पित कर दिया। अगली लाइन से लिखिए, आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेकर समाज सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने वाले राष्ट्रीय स्वयं संघ, आर्य समाज, सनातन धर्म, ईसाई धर्म, रामकृष्ण परमहंस आश्रम के लाखों प्रचारक निस्वार्थ भाव से समाज के इस महान कार्य में लगे हुए हैं। समाज के कल्याण और उसकी उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। अगली लाइन से आप लोग लिखिए, समाज सेवा अत्यंत कठिन कार्य है। तुलसीदास ने कहा है कि सेवा धर्म कठिन जग जाना। समाज सेवा करने वालों को अपमान, ग्लानी, कटुक्ति, आरोप और लांछन भी मिलते हैं। महर्षि दयानंद ने अपने जीवन में कितना अपमान और कटुक्तियां सही, लेकिन समाज सेवा के अपने लक्ष्य से जरा भी विचलित नहीं हुए और निरंतर समाज सेवा के महान कार्य में तल्लीन रहे। अगले लाइन से आप लोग लिखना, समाज सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति करना है। दीन दुखियों की सेवा करना, लोगों की उन्नति के लिए कार्य करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है, यही जीवन की सार्थकता है। पुराणों में भी
कहा गया है कि इस संसार में उसी का जीवन सफल होता है जो सदैव लोगों की उन्नति के लिए कार्य करता है। समाज सेवा से हृदय शुद्ध होता है, अहंकार नष्ट होता है और मन को शांति मिलती है। समाज सेवा का क्षेत्र भूखे को भोजन देना, अंधे को राह दिखाना, जरूरतमंदों की सहायता करना समाज के ही लघु रूप है। बहुत बड़ा जाति पाति के भेद भाव को दूर करना, एकता का प्रचार करना, नारी उद्धार के लिए कार्य करना, समाज में फैले अंधविश्वासों को दूर करना, नैतिक आचरण की प्रेरणा देना समाज सेवा के विशाल रूप है। समाज सेवा में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। हमें किसी लोभ या निजी स्वार्थवश नहीं बल्कि सच्चे हृदय से दीन दुखियों और पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। समाज सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है, अतः हमें सदैव समाज की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी अन्य टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि इस निबंध का PDF आपको दिया जाए तो नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज आप लोग वाईफाई क्लास के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इजीली बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंदर में हमने कवर किए हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को आप लोग वाईफाई क्लास एप्लीकेशन के थ्रू रीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।